अब मेरे भाई यहाँ देखो, बनाना है अल्काइन, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी ये भी अनसैचुरेटेड है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ही अनसैचुरेटेड है। अब दो मेथड तो वही हैं जो अल्कीन की प्रिपरेशन में थे, क्या मतलब हुआ? जैसे कि हैलाइट का हेलोजनेशन था, डी हेलोजनेशन, लेकिन अब की तरह दो नहीं, हम चार हेलोजन हटाते हैं, तो एक के बजाय दो जिंक के पार्टिकल लेंगे और टू जेड एन एक्स टू हमारा बाई प्रोडक्ट बनेगी। क्या अल्कोहलिक क्यूएच भी यूज़ होगा? बिल्कुल होगा जी, डी हाइड्रो डी हेलोजनेशन कर रहे थे लेकिन अब की तरह दो अल्कालाइट और दो एच ओ एच ओ एच यूज़ होंगे। असल में अब की तरफ हम लेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड किसको कहते हैं? एक ही कार्बन से दो हेलोजन हो। जब दो के ओ एच हम लगाएंगे इसके साथ, कितने? दो के ओ एच, तो वो दोनों के इन हैलाइड को ले जाएंगे, दोनों ओ एच इन एच को ले जाएंगे और यहाँ से दो बॉन्ड फारिक होंगे और ये बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। एक और मेथड भी होता है, ये प्रोडक्ट कहलाती है कैल्शियम कार्बाइड। इसको जब वाटर यानी मम्मा मानी के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो बच्चों अल्काइल तो बनता ही बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाय प्रोडक्ट के तौर पे बनती है, जिसको हम स्लैक लाइन भी कहते हैं। तो इस जमे एमसीक्यूज ऐसे आ सकती है कि कौन से मेथड हैं जिनसे अल्काइन बनता है। एक तो हो जाएगा जिंक डस्ट का यूज़ होना, फिर डीहाइड्रो डी हेलोजिनेशन जेमिनल डाइहैलाइड का होना विद हेल्प ऑफ अल्कोहलिक क्यूएच। याद रहे एक्वस क्यूएच का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। और फिर कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर भी कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है।